हे फेलस, व्हाट्सअप। तो क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो आज अचानक से बना कुरुक्षेत्र जाने का प्लान, एक रात पहले डिसाइड हुआ, लाइक 4-5 घंटे पहले। अभी सुबह के 3:28 हो रहे हैं, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो। हाँ, 3:28। एंड तो प्लान बना कि भाई कुरुक्षेत्र नहीं गए हैं तो कुरुक्षेत्र चलते हैं। और अब हम निकल रहे हैं, मीट यू बिटवीन द वे, या फिर देखते हैं कहाँ पे। मैं कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगा, बाकी तो अपडेट होता रहेगा। सी यू। तो यार फाइनली निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 2 और 3 घंटे बाद निकले हम। 4:45 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। और अभी तो रह रहा है, मतलब कुरुक्षेत्र पहुँचने में शायद 3-4 घंटे लगेंगे। गूगल मैप से 3 घंटे 19 मिनट दिखा रहा है। और अब चलते हैं, आपको बीच में कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो उसके ग्लिम्स आ जाएंगे, वरना सीधा डायरेक्ट कुरुक्षेत्र। फाइनली हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र धाम, एंड हमारा पहला विजिट होगा डे का इस्कॉन टेम्पल। और सुनने में आया है यहाँ पे लाइक बहुत चीज़ें हैं देखने को, भगवान के दर्शन तो करेंगे ही, एंड साथ में 28 फीट के घोड़े भी हैं। बहुत 4 घोड़े देखे अभी बाहर से, उसका क्लोजअप लेंगे एंड बाकी आपको दिखाते हैं। चलिए, तो यार जो 28 फीट के घोड़े बताए थे वो 4 जो चैरियट टाइप रथ है, जो मतलब चैरियट टाइप मंदिर है, जो चैरियट या रथ टाइप मंदिर है, जो उसको पुल करेंगे तो वहाँ से रस्सियाँ आएंगी इन पे कनेक्ट होके। अभी तो चल रहा है काम इसका, और काफ़ी बड़े घोड़े हैं ये, लाइक 28 फीट लाइक देख सकते हो आप। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो घोड़ा कितना बड़ा है अगर आपको अंदाजा लग रहा है। मैं इसके पैर के पास जाता हूँ, मेरे सिर जितना तो उसका पैर है। तो ये जो चैरियट दिख रहा है, इसके जो व्हील हैं ये 25 फीट के हैं, मतलब जो घोड़े थे वो 28 थे, ये रहा घोड़ा, और ये 25 है भाई। अमेजिंग है। और तू स्टंट वंट मत कर, इधर गिर गया ना तू। मंदिर के बाद हम जा रहे हैं गौशाला, इस्कॉन टेम्पल की ये गौशाला है यहाँ पे। टोटल 35-40 गाय हैं, और इसमें मतलब कितने बच्चे और कितने बड़े हैं? बस बड़े बहुत सारे आएंगे और हेल्दी, मतलब अच्छे से दूध दे देते हैं। अच्छा अच्छा कोई नहीं, दूध का गाड़ी कोई नहीं है यहाँ। अच्छा दूध वाला कोई दूध वाला मारती नहीं कोई चीज़, एक मारती। जैसे कि इन्होंने बताया कि गाय मतलब टक्कर वक्कर या लात वात नहीं मारती, क्योंकि इनको इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, वो खुद भी खुश है बहुत। तो यू कैन टच दैम। तो आ गए आप
डे इस दिन के सेकंड स्पॉट पे ब्रह्मकुंड। यहाँ पे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण किया था तब यहीं से शुरुआत हुई थी ऐसे माना जाता है। और दूसरा, जब कौरव लाइक ख़त्म होने लग गए थे और मार दिया था उनको आधे से ज़्यादा, तो दुर्योधन इधर आके छुपा था, तो कृष्ण और भीम ने उसको ललकारा था युद्ध के लिए। तो यही वो स्पॉट है और हम अभी अंदर जाएंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे और शायद यहाँ पे स्नान वान होता है तो वो भी उसका भी देखते हैं। और यहीं पे ब्रह्मकुंड में एक ही पत्थर से ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं पूरे उसमें, लाइक ये है और जो भी आपको दिख रहा है ये पूरा कवर्ड होता हुआ। ओ भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये पूरा ये क्या है? ये फाइनली ऐसे कुछ नहाए थे और अब जा रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ दर्शन करने। बाकी तो ठीक था, थक गया मैं थोड़ा नहाते नहाते, आधा घंटा या 45 मिनट्स थे हम इसमें, हम खूब मस्ती करी। तो अब जा रहे हैं मंदिर और एक दो कुंड और है वहाँ के, सिग्निफिकेंस भी आपको बता दूंगा। लेट्स गो। तो उसी कुंड के राइट साइड आकर एक मंदिर आता है, कात्यायनी देवी मंदिर, एंड वहीं के दर्शन करवाते हैं आपको। लेट्स गो। भाई देखो पत्थर से वो कर रखा है आर्ट वर्क। दिन का थर्ड स्पॉट है एक गांव जिसका नाम है नरकातारी, एंड ये वो गांव है जहाँ से महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसके द्वार है ये जो सिंह द्वार, उसके अंदर से, एंड यहाँ पे भीष्म पितामह की वो भी है जो तीरों पे उनको लिटाया गया था, एंड अर्जुन ने बाण मार के उनको पानी पिलाया था जब उनको प्यास लग रही थी। तो वो स्पॉट है, ये बहुत पवित्र स्थल है और यहीं से महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था जैसे मैंने पहले बताया। सो लेट्स गो। तो ये जो पिलर आप देख रहे हो पीछे और वीडियो में भी आया होगा, तो इसमें ये था कि भीष्म ने युधिष्ठर को राजपाट का ज्ञान दिया था, तो सारी शिक्षाएं इन सारे पिलर्स पे लिखी हैं।
जो यहाँ पे हर जगह मौजूद हैं, ये पिलर्स हैं यहाँ पे, ये सारी राजपाट की शिक्षाएं हैं। इन पे हर चीज़ जो उन्होंने सिखाई थी वो इनग्रेव्ड है। और ये वही कुंड है जिससे वहाँ पे आप देख रहे होगे, जिससे जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे थे तीरों की, तब अर्जुन ने पृथ्वी में से तीर मार के उनके, जब उनको प्यास लगी थी तो तीर मार के पानी की धारा निकाली थी एक, और वो उनकी प्यास बुझाई थी, तो पानी की धारा यहीं इसी कुंड से निकली थी। हेलो गाइस, देखो हम अभी मार्केट में आ गए। ट्रैक्टर वाले खिलौने चलाया तूने कभी? ट्रैक्टर वाले खिलौने अभी नहीं चलाया? हाँ। तो हम आ गए आज के दिन के फोर्थ या फिफ्थ स्पॉट पे, आई लॉस्ट काउंट, लेकिन ये स्थान बहुत पवित्र और अच्छा है। आई एम ऑल्सो अमेज्ड बीइंग हियर। इसमें गीता स्थली नाम है इसका, यहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। एक अंदर वृक्ष है अक्षयवट नाम का, उसके नीचे ही भगवान ने उसको अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का। एंड यहीं से स्टार्ट हुआ था युद्ध, यहीं एंड हुआ था। पिछली जगह जो थी वहाँ पर पूरा मतलब युद्ध प्रोसेस चला था, स्टार्ट एंड एंडिंग है यहाँ पे थी युद्ध की। तो इस पेड़ का नाम अक्षय वृक्ष इसलिए पड़ा, टोटल चार पेड़ हैं ऐसे यहाँ पे, क्योंकि वृक्ष ने भी साथ साथ सुना था भगवद्गीता का ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से खुद दिया था अर्जुन को, तो उस वजह से ये अमर हो गए। और इस और महाभारत के टाइम से चलते आ रहा है ये पेड़, और इस वजह से इसका नाम पड़ा अक्षय वृक्ष। तो इस दिया ठीक है, ये वट वृक्ष और जो भी चीज़ है ये उसी टाइम की है, यहाँ से महाभारत शुरू हुआ था, ये सेंटर पॉइंट है उसका। वे उस बट में इसके नीचे वो दिए आगे, यहाँ ही युद्ध चालू है था, यही आके बंद हुआ, बस इतना माना पता। यहीं पर युद्ध चालू हुआ था और यहीं पर युद्ध बंद हुआ, यहीं बंद हुआ। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था अपना। उन्होंने लाइक ऐसे बोला था कि साधु महात्मा मेरा इतना यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, उनको वो रूप देखने को नहीं मिलता जो मैं तुझे फ्री में दिखा रहा हूँ। लाइक फ्री तो मेरे को फ्री का हिंदी वर्ड नहीं मिला, तो वो रूप भी भगवान कृष्ण ने इधर ही दिखाया था। तो एक और नए स्पॉट पे श्री कृष्ण म्यूजियम में हम, और यहाँ पर जो खुदाई के दौरान कृष्णा जी की उनसे रिलेटेड चीज़ें मिली थी उनके टाइम की, तो वो यहाँ प्रिजर्व्ड हैं, यहाँ म्यूजियम में हम आए हैं, आपको दिखाएंगे साथ में। एंड लेट्स गो। भाई एक स्पॉट आया है, भद्रकाली का मंदिर है, ये बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ पे सती माता का एक कथना गिरा था जब वो सती हुई थी, तो बहुत अच्छे दर्शन है यहाँ पे, और लाइक बहुत पवित्र जगह है, तो देखते हैं, आइए चलिए।
तो भाई आ गए हैं हम एक और डेस्टिनेशन पे। हालत देखो हमारी, वेंकटेश्वरिया है ये, और जहाँ से यहाँ पे दर्शन करेंगे लाइक साउथ इंडियन वाइब्स देता है पूरी, दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस फाइनली आज का डे पूरा हो गया है और बहुत फन था। मैं वेंकटेश्वरी टेंपल आपको अंदर से तो दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वो दिखा नहीं पाया मैं, उन्होंने मना कर दिया। और बालों की क्या हालत हो गई मेरे, तो बाल का शक्ल भी देखो भाई। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस अपने होम टाउन एंड अब रेस्ट करेंगे। मैं नशे में लग रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा। तो अब हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे और बाकी तो इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और आगे भी ऐसी फन वीडियोस आती रहेंगी। होप यू गाइस एंजॉयड, आई ट्राइड माय बेस्ट, वो तो दिख ही रहा होगा मेरे बेस्ट से। ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी। तो चलते हैं अब, आई एम एंडिंग दिस टूर एंड दिस व्लॉग हियर। टूर के आर दिल्ली तो वापस जाना है। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।